को कैसे अलौकिकता में परिवर्तन करें और उसके अंदर क्या बैलेंस हम रखें उसके ऊपर है। ये तो आप और हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो जीवन है वो ईश्वरीय उपहार के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। इस उपहार को ज्ञान रत्नों से, दिव्य गुणों से सुसज्जित करना और अलौकिकता के रंग में रंगना हमारा परम कर्तव्य है। इस श्रेष्ठ और महान जीवन को महान बनाने के लिए अलौकिकता की झलक, कर्मों में अलौकिकता की झलक और संबंधों में मधुरता और समरसता का होना परम आवश्यक है। ये तो प्राण प्यारे बाप दादा ने हम सबको इस श्रेष्ठ जीवन को जीने के लिए एक गोल्डन चाबी दी है। इस गोल्डन चाबी को जितना जितना हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब जानते हैं कि इस जीवन को महान बनाने के लिए प्राण बाप दादा ने हम सब बच्चों को आत्म समृद्धि की एक कुंजी दी है। आत्म समृद्धि से प्राप्त पवित्रता एक पूंजी के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है और पवित्रता से प्रसन्नता जीवन के अंदर आती है, वो एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। तो इसको जीवन के अंदर कायम रखने के लिए संतुलन का होना बहुत बहुत जरूरी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, लौकिक जीवन में रहते हुए अलौकिकता के रंग में हम रंगे रहे उसके लिए हमें बैलेंस बैलेंस का होना बहुत बहुत आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि ज्ञान से पहले हमारा जीवन लौकिक कहलाता था। अलौकिक जीवन में क्या होता है? देह देह के समान, देह के पदार्थों में ही हमारा मन बुद्धि सब कुछ उसी में ही विचरण करता रहता है। हमारा सारा समय, संकल्प, संपत्ति सब कुछ इस लौकिक संबंधों को निभाने में ही व्यतीत हो जाता है। और हम जानते हैं कि लौकिक जीवन विषय विकारों के ऊपर ही आधारित होता है, परंतु जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे जीवन के अंदर एक विशेष परिवर्तन आने लगता है। जब प्राण प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ महान जीवन जीने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र अर्थात आत्म समृद्धि जागृत की है, ठीक है, तो उस आत्मी समृद्धि के जागृत होने से हमारा रहन सहन, खान पान, मन वचन कर्म की शुद्धि का होना अनिवार्य हो जाता है और हमारा ध्यान अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में, मन वचन कर्म को शुद्ध करने में लग जाता है, जिसके अंदर थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर आने लगते हैं। अब वो उतार चढ़ाव को फेस करने के लिए भी हमारे को संतुलन की बहुत बहुत आवश्यकता है। कई बार हम लोग ये समझते हैं संतुलन का मतलब क्या है, बराबर बराबर, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, संतुलन का मतलब है जितना चाहिए उसके अनुपात से उतना, 50-50 नहीं, जितना चाहिए उसके अनुपात से होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी के अंदर एक चावल चावल 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, 1 किलो घी डाल देंगे या पानी डाल देंगे तो खिचड़ी कैसे बनेगी? तो हम क्या करते हैं, 1 किलो चावल में उसी अनुपात से दाल, उसी अनुपात से नमक,
उसी अनुपात से घी और पानी डाल करके खिचड़ी को बनाएंगे तो वो स्वादिष्ट बनेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए लौकिक को अलौकिकता में लाते हुए हमें कुछ बैलेंस रखना बहुत बहुत अनिवार्य है, नहीं तो मतभेद, वातावरण भेद पैदा हो जाएगा, वैर विरोध वैमनस्य की भावनाएं भी पैदा हो जाएंगी। अब वो भावनाएं पैदा ना हो, हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे और हमारा समाज भी हमारे से सुखी रहे, वो तभी हो सकता है जब हम ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर उसको यथार्थ रीति से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए, बैलेंस रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें लव और लाभ का बैलेंस रखना, ज्ञान और योग का बैलेंस रखना है। तीसरी बात, हमारे को ट्रस्टीपन के संस्कारों को समाप्त करके ट्रस्टीपन की भावनाओं को जागृत करना है। हमारे को इस संसार परिवार को चलाना भी है, परंतु परिवार में आसक्त होकर के नहीं रहना। बाबा कहते हैं कि परिवार के साथ तोर निभाओ। तोर निभाने का मतलब, तोर इसके दो अर्थ होते हैं। तोर निभाने का मतलब एक तो अंत तक तोर निभाओ, एक तोर निभाने का मतलब बाबा ने जो हम बच्चों को सिखाया कि जो हमारी पुरानी मन की सूक्ष्म तारे संबंधों के साथ, परिवार के साथ, वस्तुओं के साथ लगी हुई है, उसको तोड़ो और शिव बाबा के साथ जोड़ो। जोर और तोर को साथ साथ रखते हुए उसको ऐसे निभाओ जैसे कमल का फूल। आप देखेंगे कमल का जो फूल है वो भी कीचड़ में रहता है, और कमल के फूल का बहुत बड़ा परिवार है। कमल जिस स्थान से पैदा होता है वह कीचड़ भी है, वहां पर अनेक जैसे कमल डोडी है, कमल ककड़ी है, सिंगारा है, अनेक प्रकार का उसका परिवार है। परंतु जब कमल का फूल तैयार हो जाता है तो कीचड़ उसको टच नहीं करता, चाहे कितना भी पानी का बहाव बढ़ जाए परंतु वो कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ उसको टच नहीं करता। तभी कमल के फूल को कहा जाता है न्यारा है और प्यारा है। तभी आप देखता हूं कि भी महिमा में क्या कहते हैं, कमल आसन, कमल मुख, कमल हाथ, कमल पांव, मतलब कमल से ही उसकी तुलना की जाती है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कमल सम जीवन जीने की शिक्षा दी है। जैसे वो कीचड़ से न्यारा रहता है, इसी प्रकार हमें भी इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अपने ड्यूटीज का पालन करते हुए उसमें आसक्त नहीं होना। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि बच्चे इस संसार में रहते हुए तुम ऐसा एक दूसरे से व्यवहार करो जैसे ऐसा लगे कि जैसे व्यवहार तुम्हारा व्यवहार में इतनी शुद्धि हो, व्यवहार में इतनी शिष्टाचार हो, व्यवहार में इतनी शिष्टाचार हो, इतनी सभ्यता हो, जो लोगों को लगे कि यह तो जैसे परिवार सचमुच एक ऐसा सुखी परिवार हो गया जिसकी तुलना देवी देवताओं से की जा सकती है। तो आज बाबा ने ऐसी लौकिक में अलौकिकता के रंग में रंगने के लिए हमें ये भी कहा कि आपस में बोल चाल, रहन सहन, खान पान में रूहानियत की खुशबू होनी चाहिए। ऐसा नहीं
कि हमारे जीवन में वही चाल हम चलते रहे, वही रीति से हम उठते बैठते रहे, वही रीति से हमारा व्यवहार चले। नहीं, हमें एक दूसरे के प्रति बहुत रिगार्ड होना चाहिए। और पहले आपका पाठ पक्का करना है, जो प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को भी आगे रखकर पहले आपका पाठ पक्का करना सिखाया, ऐसा हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। पहले आपका पाठ पढ़ाया, पहले बच्चों को आगे रखा, पीछे बाबा। हम कई बार बाबा के जीवन में देखते थे, बाबा के समीप में आते थे, बाबा के पास कोई भी बड़ा व्यक्ति आता तो उनको क्या कहते, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, मेरे बच्चे मेरे से आगे जानते, अच्छा जानते हैं, ये आपको बताएंगे, है ना। तो बाबा ने हमें श्रेष्ठ और महान व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखने की बहुत अच्छी अच्छी विधियां, बहुत अच्छा अच्छा तरीका सिखाया। जितना उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उतना हमारा जीवन खुशनुमा रहता है और हम एक श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की शक्ति अपने अंदर महसूस करते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ज्ञान में चलते चलते हम एक ऐसे अलौकिक रंग में रंग जाते हैं, एक ऐसा अलौकिक नशा सा चढ़ जाता है, जब हम अपने मित्र संबंधियों को, अपने परिवार को से किनारा करना शुरू कर देते। और जब उनसे किनारा करना शुरू कर देते और साथ साथ बाबा बाबा ही मुख से बोलते रहते, और ये भी बोलते बाबा ही मेरा परिवार है, बाबा ही मेरा समाज सारा सर्वे सर्वा है, बाबा ही मेरा सहारा है, बाबा ही मेरा किनारा है, तो जब ऐसी मनोस्थिति बनती है तो उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। तो उसके लिए हमें, जब हम संसार में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, तो हमें जो भी कुछ हम करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करके, राइट लेफ्ट को सोच करके, हर आत्मा के संस्कार को जान करके ही बोलना और चलना चाहिए। मुझे याद आता है कि जब हमने, हमारे को बाबा ने थोड़ा सा ये भी अनुभव कराया कि जाओ संसार के अंदर, तो जब मेरे को बाबा ने मेरा डिवाइन मैरिज करा करके संसार के अंदर भेजा, तो मैं वहां एक साल वहां रही। परंतु वहां रहते हुए मेरे को सदा ये ध्यान रहता था कि ये मेरा घर नहीं है, ये हाँ मैं एक सेंटर के अंदर आई हूँ, ये सब मेरे जिज्ञासु है, ये मित्र संबंधी ये मेरे नहीं है, ये मेरे जिज्ञासु है। तो मेरी हर बात को वो वॉच करते हैं और वॉच करेंगे भी, तो मुझे इतना अलर्ट होकर के रहना है और ऐसा समझ के रहना है कि ये मेरा सेवा स्थान है। तो जब हम इतनी ऊंची स्मृतियों के अंदर, इतने ऊंचे लक्ष्य को लेकर के रहते हैं, तो वो भी हमें सत्कार और प्यार की नजर से देखते हैं और हमें एक देवी का स्वरूप मान करके हमारे साथ व्यवहार करते हैं, है ना। मैंने देखा कि वो हमें बहुत ऊंचे सम्मान के रूप में देखते थे और मैं भी इस बात का ध्यान सदा रखती थी, क्योंकि जब मैं उस परिवार में गई तो मुझे दादी चंद्रमणि मेरे साथ गई थी, तो चंद्रमणि दादी ने प्रवेश होते ही बोला था कि लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी कुलाई। तो मुझे लगा कि मैं तो इतनी महान सर्वोच्च आत्मा हूं और मैं इस घर के अंदर सेवा के लिए आई हूं, मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे इस परिवार के अंदर कोई नीचे ऊपर बात हो या किसी को कुछ दुख महसूस हो।
मुझे हर कर्म में नवीनता, उत्साह, उमंग, उल्लास के अंदर रहकर इन लोगों को अच्छी प्रकार से सेवा करते हुए, बाय बाय करते हुए जाना है ना। तो जब हम इतनी ऊंची स्मृतियों में रहकर के कार्य करते हैं, और बाबा ने हम सबको ऊंची स्मृतियों में समृद्ध करने के लिए बहुत ऊंची ऊंची बातें हमारी नेचर को चेंज करने के लिए डाली है। ये बच्चे तुम ही पूछो, तुम ही चढ़ती कला हो, तेरे बाने सर्वदा भला होना है, तुम पवित्रता का सूरज हो। तो जब हम, तुम शांति दूत हो, तो जब हम इन स्मृतियों में रहकर अपने लौकिक संबंधियों के साथ व्यवहार के अंदर आते हैं, तो उनको और हमारी वाणी के अंदर कंट्रोल होता है, अपने अंदर संयम और नियम होता है। तो जो संयम और नियम मानव जीवन की शोभा है, तो संयम और नियम और ईश्वरीय मर्यादा युक्त बोल चाल व्यवहार कर्म होगा, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा औरों के ऊपर पड़ता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कई बार कई बाय बाय नाकार के बोलते हैं कि हम लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारी बात जो है ना, लोग नहीं सुनते। तो मैं उनको हंसी हंसी में बोलती हूँ कि तुम बाबा की बात को नहीं सुनते हो, बाबा के अनुकूल अपना जीवन नहीं चलाते हो, जिसके कारण लोग तुम्हारी बात को सुनी अनसुनी करते हैं। क्योंकि हम भगवान की बात को अगर सुनी अनसुनी करेंगे तो नेचुरल है हमारा प्रभाव दुनिया के ऊपर नहीं पड़ेगा। कहते हैं ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान का होना, आचरण का होना परम आवश्यक है। क्योंकि जीवन जो है, कहते हैं आचरण ही उपदेश है, जीवन ही संदेश है, धारणा ही धर्म है ना। हमारे किसी को भी कुछ ज्ञान सुनाने से पहले हमें प्रैक्टिकल अपने लाइफ को साक्षी होकर के देखना चाहिए कि हमने ज्ञान को, गुणों को, योग को अपने जीवन में कहाँ तक अप्लाई किया है, हम कहाँ तक उसका स्वरूप बने हैं, हमारी मनोस्थिति कितनी सशक्त है, हम छोटी छोटी बातों में उलझते तो नहीं, घबराते तो नहीं, डामाडोल तो नहीं होते, हलचल में तो नहीं होते, मूड ऑफ तो नहीं होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों में खुद ही डामाडोल होते रहेंगे तो हमारे लौकिक वाले हमको क्या रिस्पॉन्स देंगे। जैसे आप देखेंगे कई बार कई भाई बहनों के लिए लोग आकर के बोलते हैं कि बहन जी, आपका वो जो फलाना भाई है या बहन है या फलाना परिवार है ना, वो ज्ञान में तो बहुत वर्षों से चल रहे, परंतु बहुत वर्षों से चलने के बाद भी उनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके बोलचाल में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। तो उस समय आप समझते कैसा लगता होगा जब भाई बहन ऐसा आकर के बोलते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ भाई बहनों के लिए। क्योंकि फिर हम उनको यही समझाते हैं कि जैसे पांच उंगलियां एक समान नहीं है, ऐसे ज्ञान की धारणा भी एक समान सब लोग नहीं कर सकते हैं, हर एक के अपने संस्कार है, अपने विचार है, अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी ऊपर उनका डिपेंड करता है कि उस बात को उन्होंने कहाँ तक फॉलो किया है, कहाँ तक फॉलो नहीं किया है। जिन्होंने अच्छी तरह से फॉलो किया होगा उनको बाबा भी बहुत प्यार से, बहुत सत्कार से देखता है और उनको बहुत ऊंची नजर से देखते हुए यही बोलता है कि मेरे बच्चों, तुम तो रूहानी शोकेस के शो पीस हो। खास करके बाबा युगल जहाँ परिवार में रहते हुए जो परवृत्तियों में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा
शो पीस के रूप में, एक सैंपल के रूप में देखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब को अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना उज्जवल, इतना सशक्त, इतना आत्मसमृद्धि का, परमात्म निश्चय का नींव को इतना मजबूत और इतना गहरा भी बनाना है जिससे हमारा लौकिक, अलौकिक, परलौकिक परिवार खुश हो जाए और हमारे जीवन से कुछ प्रेरणाएं ले, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी धारणाएं, हमारे बाबा की शिक्षाएं, हमारे बाबा का आदेश और संदेश हम सबको श्रेष्ठ प्रवृत्ति का निर्माण करने के लिए ही है, क्योंकि बाबा श्रेष्ठ प्रवृत्ति के प्रमाण को, श्रेष्ठ प्रवृत्ति को बनाने की ही प्रेरणा देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं सतयुग त्रेता में भी प्रवृत्ति मारक है, और इस प्रवृत्ति मारक की फाउंडेशन कहाँ से पड़ी? संगम युग से ही पड़ती है। संगम युग इसकी फाउंडेशन पीरियड है। तो फाउंडेशन पीरियड अगर श्रेष्ठ होगा, महान होगा, सशक्त होगा, उज्ज्वल होगा, सत्वप्रधान होगा, अलौकिकता में अलौकिकता की पुट होगी, अलौकिक स्वरूप होगा, तो उसका आगे चल करके भी संस्कार हमारे साथ चलेंगे और वही संस्कारों से ही हम राज्य अधिकारी बनेंगे। उसके लिए प्राण बाप दादा ने, दादा दीदी दादियों ने हम सबको श्रेष्ठ और महान जीवन जीने के लिए ये जरूर कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर को महान बनाने के लिए, अपने घर के वातावरण को स्वच्छ, व्यवस्थित, सत्य और योग युक्त बनाने के लिए, जैसे आप सबके रहने का स्थान अपना अपना है, इसके लिए, इसके साथ साथ बाबा का एक छोटा सा कमरा भी होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा का कमरा जहां होगा, जहां वहां पर नित्य हम बाबा से रू रूहान, बैठ करके रू रूहान कर सकते हैं। अमृत वेला अपना पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि वो दिनचर्या के आरंभ की वेला होती है। मुझे याद आता है प्राण बाप दादा और दीदी मनमोहिनी इस बात के ऊपर विशेष हम सबका ध्यान खिंचवाया करती कि जिस घर में बाबा का कमरा नहीं, वो घर योगी नहीं बन सकते। तो वो कहा करती थी कि अगर तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारे घर के अंदर एक छोटा कमरा बनाने के लिए स्थान नहीं है, तो तुम्हारी किचन तो है, तो क्यों नहीं किचन को रात को साफ सुथरा करके और धुलाई करके अच्छी तरह से साफ करके रात को सोवो और सवेरे वहां आसन लगा करके बाबा की याद में अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। क्योंकि अमृत वेला वरदानी समय होता है और उस वरदानी समय के अंदर हमें उस परम शक्ति परमात्मा जो हम सबका सबसे ज्यादा नियर और डियर है, उनसे सर्व प्रकार के वरदान लेने की, सर्व प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो अमृत वेले के ऊपर और ज्ञान मुरली के ऊपर भी हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मुरली एक वॉशिंग मशीन का काम करती है और हमारे मैले कुचैले संस्कारों को धो देती है। तो उसके लिए ज्ञान का मनन चिंतन होना और उसके साथ साथ व्यवहारिक जीवन में परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस होना बहुत
बहुत आवश्यक है। तो मैं ऐसा समझती हूं कि जितना जितना हम बैलेंस रख करके चलेंगे उतना हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का वास रहेगा। और अगर हम, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत करके ऐसा होता है कि हम गृहस्थ व्यवहार के जीवन में कुछ ज्यादा महत्व देते हैं, उसको ज्यादा समय देते हैं और बाबा को बीच बीच में याद करते हैं, कभी कभी मुरली सुन लेते हैं, कभी कभी थोड़ी सा सेवा में सहयोगी बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में वो बैलेंस ना होने के कारण खींचातान शुरू हो जाती है। दूसरा, कई बार कई भाई बहन इस अलौकिक जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं, उस सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं और लौकिकता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी बैलेंस कम हो जाता है, जिसके कारण घरों में खींचातान, अशांति, दुख, मैं तू तू की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। परंतु ऐसा ना हो, क्योंकि बाबा का लक्ष्य घर घर को स्वर्ग बनाना है, इसलिए बाबा हम बच्चों को सदा यही कहते हैं कि अपने घर को सेंटर समझो। जैसे सेंटर का वातावरण स्वच्छ, शुद्ध, सत्य और पवित्र होता है, हर चीज बहुत व्यवस्थित तरीके से होती है, ठीक इसी प्रकार अगर देवात्मा बनना है, राज ऋषि बनना है, महान आत्मा बनना है, तो एक सच्चा लीडर बनना है, तो स्वच्छता का होना बहुत बहुत आवश्यक है। आमतौर पर गृहस्थी लोगों का घर कैसा होता है? चीजें बिखरी हुई होती हैं, कहीं बर्तन पड़े हैं, कहीं झाड़ू पड़ा है, कहीं कपड़े लटक रहे हैं, कहीं जूते पड़े हैं, है ना? वो वास्तव में एक अलौकिक महान जीवन जीने के जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनके जीवन में इस तरह का नहीं होना चाहिए। और कपड़े भी बहुत ढंग से पहनने चाहिए, संबंधों में बोलचाल भी बहुत श्रेष्ठ और सभ्यता पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक होना चाहिए, जिससे कि व्यवहारिक जीवन में ऐसे लगे कि दो आत्माएं, भले दो शरीर है, दो आत्माएं हैं, तो विचार एक जैसे है, मत एक जैसे है, नहीं तो भिन्नता होने के कारण कुछ ना कुछ नीचे ऊपर होता रहेगा, जिससे परिवार में वो जो सुख और शांति, आनंद, पवित्रता की झंकार निकलनी चाहिए वो नहीं निकल सकती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि लौकिक में रहते हुए अलौकिक, लौकिक और अलौकिक का संतुलन रख करके चलेंगे तो श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की कला आपको प्राप्त होगी, जिससे आप भी खुशनुमा जीवन जिएंगे और आपका परिवार भी खुशनुमा जीवन जिएगा। आपके परिवार को देखकर, खुशी परिवार को देखकर भगवान बाबा भी, शिव बाबा भी ब्लेसिंग देगा, समाज परिवार भी ब्लेसिंग देगा और समाज से भी ब्लेसिंग मिलती रहेगी, क्योंकि बाबा चाहता है कि अब ब्लेस ब्लेस में चढ़ो, बैलेंस में चढ़ो तो ब्लेसिंग के अधिकारी बनो, है ना? अधिकार उसको, ब्लेसिंग का अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो बाबा की हर बात को बहुत नियम मर्यादा से अपने जीवन के अंदर और दोनों का बैलेंस रखते हुए चलेंगे तो जीवन से सुख शांति की जंग, जीवन रूपी वीणा से सुख शांति की झंकार जरूर निकलेगी।
इस बार मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार आया और कहने लगा कि बंदे, मुझे ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर से मेरी लगन लग जाए, ईश्वर से मैं मिलना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा तरीका या ऐसी कोई दीक्षा दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को, जिसका नाम श्रोहन था, उसको अपना कैसे कुछ ऐसी दीक्षा दी जिससे कहा कि जाओ, तुम इस दीक्षा के अनुकूल अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो क्या हुआ, वो राजकुमार श्रोहन को एक ऐसी लगन थी, एक ऐसी जिज्ञासा थी, वो अपना खान पान, रहन सहन सब बातों को भूलकर एक ही दिन उसको लग गई कि मुझे ईश्वर पिता से मिलना है। तो वो एक ही दिन में लगन में मगन हो गया और उसका खान पान सब छूट गया। क्या हो गया कि वो जब एक ही लगन में ऐसा मगन हो गया तो उसका शरीर भी सूख करके ऐसा दुबला पतला हो गया। तो एक दिन महात्मा बुद्ध वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि ये राजकुमार जिसका नाम श्रोहन है, ये इतना दुबला पतला क्यों हो गया। तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से बुलाया, कहा श्रोहन तुम इधर आओ। कहा कि तुम जब राजकुमार थे तो वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, उसे बहुत सुंदर स्वर निकालते थे, ध्वनि निकालते थे जो सबको बहुत आकर्षित करती थी। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे शिष्य से एक वीणा मंगाई और उस वीणा के जो तार थे वो कुछ ढीले कर और ढीले करके उस राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। तो वो जब वीणा बजाने लगा तो वीणा से कोई सुर नहीं निकला और कहने लगा, बनते ये वीणा के तार बहुत ढीले हैं, इससे स्वर नहीं निकल सकता, अच्छी ध्वनि नहीं निकल सकती। तो फिर महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया, उस वीणा को अपने हाथ में लेकर उसके तार और टाइट कर दिए, ज्यादा टाइट कर दिए और फिर उस वीणा को उस राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। तो कहा अब वीणा बजाओ। तो फिर जब वो वीणा बजाने लगा फिर उसके तार इतने टाइट थे जो वीणा से वो जो स्वर निकालना चाहता था उन्हें निकल पाए। तो फिर वो कहने लगा, बंदे इसके तार इतने टाइट है, वीणा के तार टूट जाएंगे तो इससे स्वर नहीं निकल सकते। तो फिर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस वीणा को अपने हाथ में लिया और उसके तार मध्य में कर दिए और फिर उसके हाथ में दिया, तो अब बजाओ। तो फिर वो वीणा जब उसने बजाई तो उसे बहुत सुंदर ध्वनि निकली, स्वर निकली, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को आकर्षित करने लगा। तो महात्मा बुद्ध बोलने लगे कि इसी प्रकार श्रोहन, जैसे वीणा के तार मध्य में होने से स्वर अच्छा निकला, ठीक इसी प्रकार जीवन रूपी वीणा से मधुरता, धैर्यता, प्रेम, एकता, सुख, शांति की ध्वनि तब निकलेगी जब हर चीज को बैलेंस में रख करके चलोगे। तो मेरा कहने का भाव यही है कि जीवन के अंदर बैलेंस, बैलेंस का होना परम आवश्यक है। जितना बैलेंस के अंदर है, मैं मानती हूं कि बैलेंस एक साथ नहीं आता, बैलेंस आंतरिक अभ्यास से आता है।
बैलेंस एक ऐसी सुंदर कारीगरी है जो हमारे को श्रेष्ठ और महान सशक्त जीवन जीने की संपन्न संपूर्ण जीवन जीने की एक सुंदर कला सिखाता है, जो हमने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अंदर, मातेश्वरी जी के जीवन के अंदर और दीदी दादियों के जीवन के अंदर अच्छी प्रकार से देखी। जीवन में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों प्रकार का ध्यान रखते हुए, उसके साथ अनुशासन का ध्यान भी रखते हुए और लौकिक परलौकिक जीवन को कैसे चलाना है, लौकिक परलौकिक पिता का हम बच्चों के प्रति क्या आदेश है, उसको सामने रखते हुए जब हम जीवन को चलाते हैं तो जीवन ऑटोमेटिकली ही श्रेष्ठ और महान बनता है। किसी ने किसी व्यक्ति से पूछा, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? तो किसी ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा शास्त्र है व्यवहारिक कुशलता। क्योंकि आप सब जानते हैं, शास्त्र तो सब कोई नहीं पढ़ सकता, परंतु व्यवहार ही मनुष्य को अच्छा और बुरा व्यवहार, अच्छी और बुरी बातें सिखलाता है। तो क्यों नहीं हम अपना व्यवहार इतना श्रेष्ठ, इतना उज्जवल, इतना अच्छा बनाए जो एक दो के साथ हम अपने दिल की अच्छी तरह से लेन देन कर सके और अपने आप को संतुलन में भी रख सके और अपने आप को अनासक्त भी रख सके। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्तियों में रहना है और एक ऊंची स्मृतियों में रहना है कि आत्मा आत्मा भाई भाई। शारीरिक रीति से हम एक पिता के संतान, आपस में भाई बहन है, क्योंकि अभी सृष्टि परिवर्तन की वेला है। तो उस परिवर्तन से की वेला में मनोवृत्तियों को परिवर्तन करने के लिए, मनोवृत्तियों का ऑपरेशन करने के लिए संतुलन का होना परम आवश्यक है। ऊंची स्मृतियों को जागृत करके चलना परम आवश्यक है, परंतु ऊंची स्मृतियों के साथ साथ हमें संसार में रहते हुए ये लक्ष्य भी रखना है कि मुझे ये ध्यान जरूर रखना है कि जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देख करके और भी करेंगे। क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी बातों में बैलेंस में नहीं रहती, मेरी मनोस्थिति नीचे ऊपर होती रहेगी, तो मैं अपने जीवन से दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकती। प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को एक बात बहुत सुंदर बताई कि शिक्षा परिवार में बच्चों को भी शिक्षा देते हुए या किसी को भी शिक्षा देते हुए क्षमा भाव, प्रेम की भावनाओं को भी अपने साथ रखना। क्योंकि जहां शिक्षा देते हैं वहां रहम और क्षमा का होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि क्षमा एक ऐसा महामंत्र है जो व्यक्ति को चेंज कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे उस परम शक्ति पिता का को भी, जहां ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, वहां क्षमा और रहम का भी सागर है। तो हम उसी पिता की संतान है जिनको हम सदा बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी पिता के पुत्र होने के नाते से
हम सब बच्चों को एक दूसरे को सद्भाव और सद्भावनाएं प्रसारित करते रहना चाहिए। शुभ भावना और शुभकामना की संजीवनी बुटी एक दूसरे को जरूर देती रहनी चाहिए, ताकि मूर्छित होने से पहले ही जागृत हो जाए। क्योंकि कई बार जीवन में चलते चलते ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी परेशानियां आती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड से आते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सा उदासी आने लगती है। तो उस उदासी के समय बाबा ने हम बच्चों को एक ऐसी संजीवनी बूटी दे दी है शुभ भावना और शुभकामना की, क्योंकि संजीवनी बूटी मूर्छित को सुजीवित करती है। और शुभ भावना और शुभकामना, हम जब दूसरों को शुभ भावना और शुभकामना देंगे तो दूसरों की तरफ से भी हमारे प्रति शुभ भाव और शुभकामना ही निकलेगी। तो इसलिए ये अपने जीवन की धारणा हमें जरूर बनानी चाहिए। हमारे जीवन का तो यही लक्ष्य रहा, आज हमारे को 65 से भी ज्यादा 66 वर्ष हो चुके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हुए, समर्पित जीवन जीते हुए, और लोक परलोक और को साथ लेते हुए चलना है और चलाना है, निभाना है, परंतु न्यारे और प्यारे होकर के रहना है। जितना आत्मनिश्चय परमात्म निश्चय की नींव हमारी मजबूत होगी और लक्ष्य हमेशा सामने होगा, उतना उतना जीवन अपने आप में श्रेष्ठ बनता जाएगा और हमारे कर्मों में भी वो संतुलन आता जाएगा। एक अलौकिक झलक और फलक में रहने के लिए संतुलन का होना परम आवश्यक है। बाबा कहता है, तुम्हारा चेहरा और चलन बाप को प्रत्यक्ष करे, वो तभी प्रत्यक्ष कर सकता है जब हम बैलेंस 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 में चलेंगे। यही मेरी आप सभी भाई बहनों के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। ओम शांति शांति शांति। दीदी जी, बहुत सुंदर रीति से आपने समझाया कि हमें कैसे बैलेंस रखना है। और बाबा के बच्चों को आपको सुनाई देता है? कैन यू हियर? बिल्कुल सुनाई कम पड़ रहा है। अच्छा, तो ऊंचा बोलो। तो दीदी, यहाँ पर कई लोगों को प्रश्न है कि वो पूछते हैं कि इतने सारे सेंटर को संभालते हुए आप इतने शांत कैसे रहते हैं? देखिए, अगर हम अपने शांत स्वरूप में नहीं रहेंगे तो सेंटरों को संभाल भी नहीं सकते हैं, जोर नहीं सकते हैं। जोरना जितना हम सकारात्मक चिंतन करते हैं, समर्थ चिंतन करते हैं, हर नेगेटिव को पॉजिटिव अप्रोच देते हैं, तो क्या होता है कि अपने आप में हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसे हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। मैंने अपने जीवन की एक ऐसी धारणा बनाई हुई है कि मुझे स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं करना, किसी के बारे कितना भी कोई अपकारी भी क्यों ना हो, उसका भी उपकार करना है और उनको संतुलित शब्दों में मधुरता से व्यवहार करना है। तो जितना हमारे शब्दों में संतुलन होगा, युक्ति युक्त होंगे, शब्द कम बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, युक्ति युक्त बोलेंगे, स्थान समय व्यक्ति की स्थिति को देख करके बोलेंगे, तो हमारे सब दोस्त होंगे, हमारे को सब सत्कार की दृष्टि से देखेंगे।
दीदी, और एक प्रश्न है कि कई बच्चे अभी अभी ज्ञान में आते हैं, बच्चे होते हैं, और फिर हम बाबा कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय अंतर्मुखता में रहना है और मेडिटेशन में रहना है, और परिवार ज्ञान में नहीं चलता है, तो ऐसे समय पर कैसे बैलेंस रखे कि जैसे हम दूसरों को भी मोटिवेट करें, एलिवेट करें, और उनके साथ समय भी बिता पाए और अपनी जो साइलेंस की साधना जो है वो भी कर पाए, तो वैसा किस तरह से करें? देखिए, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है ना। हम कई बार अपना जो टाइम है थोड़ा गपशप में या स्थूल बातों में या गृहस्थी के छोटे मोटे झंझटों में ज्यादा व्यतीत करते हैं, जिसके कारण हम दोनों को ना उधर व्यवहार को खुश रख सकते हैं ना परमार्थ को ठीक रख सकते हैं। तो हमें ये अटेंशन रखना चाहिए कि भाई हमें सबको साथ लेकर के चलना है, तो सबके जो संस्कार है उनको जान करके उनके अनुकूल उनके साथ व्यवहार में आना है, और बोल चाल भी उनके साथ वैसा ही रखना है, और फिर उनको हमें अपने से ज्यादा रिगार्ड देना है, जिसके कारण हम उनको साथ लेके चल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम ज्यादा योग में रहेंगे, ज्यादा ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे या सेवा में लगे रहेंगे, तो नेचुरल है उनका हमारे साथ अच्छा रिगार्ड नहीं रहेगा, और कहेंगे आपने तो हमारा जैसे घर ही खराब कर दिया है ना। परंतु हम तो घर घर को स्वर्ग बनाने वाले हैं, तो घर घर स्वर्ग तभी बनेगा जब हम अपना कुछ एकांत में रात को उठ करके भी हम अपने लिए कुछ कमाई करें, या जो हमारे पास इधर उधर हम फजूल की बातों में या वाहियात बातों में इधर उधर के गपशप में अपना टाइम लगाते हैं, उससे सेविंग बचत करके अगर हम अपना थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा योग लगाएं, और फिर उनके साथ बाहर से हम उनको कुछ ऐसा नहीं दिखाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बाहर से अपना ज्यादा कुछ दिखाने लगते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। जैसे मुझे एक मिसाल याद आता है, एक बहन शुरू शुरू में हमारे पास आया करती थी, तो वो इतनी ओवर नशे में चली गई और वो कभी भी किसी अपने संबंधी के घर में जाती तो उनको कहती, हम तो भाई किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, हम तो किसी के घर का भोजन भी नहीं खाते हैं, है ना। तो उनके संबंधी कहते कि ये तो बड़ी अजीब इनका ज्ञान है, भाई हम कोई जमादार थोड़ी है जो हमारे घर का, हम भी तो परिवारों में रहते हैं और अच्छा खाना बनाते हैं, चलो प्याज लहसुन नहीं खाओ परंतु परमात्मा के याद में रह करके तो आप बना भी सकते हो खा भी सकते हो। परंतु वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर नशे में रहती थी, तो लोग उससे थोड़े से दूर हटने लगे। परंतु क्या हुआ, फिर चलते चलते अपने ही भाव स्वभाव के कारण, अपने ही ईगो माइंड के कारण वो ज्ञान में इतना नहीं चल सकी, तो लोगों के लिए एक उनको तिरस्कार करने का, उनको अपशब्द कहने का या उनके बारे में अनुचित सोचने का लोगों को टाइम तो मिल गया ना। तो इसलिए हमें बाहर से उनको ज्यादा अपना शो नहीं दिखाना है, हमारे को तो मनोवृत्तियों को बदलना है ना। तो मनोवृत्तियों को तो पहले हम अपने आप को बदले, तब हम दूसरों को ये ज्ञान भी सुनाए, दूसरों को बैठ करके कुछ ये पवित्र बनने का भी उपदेश दे या खान पान की शुद्धि का भी उपदेश दे, है ना। उसके लिए मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे आप देखेंगे ये हमारी ये पांच उंगलियां हैं, हम एक उंगली किसी के लिए करते हैं तो चार उंगलियां हमारे से पूछती है तुम क्या हो, है ना। तो इसी तरह से हमें भी अंदर अंदर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, स्वचिंतन स्वमनन करते करते बाहरी रीति से हम उनके साथ वैसे ही चले जैसे वो चलते हैं। हाँ,
हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा खुद का मन वचन कर्म पवित्र रहे, अन्न दोष मन दोष से हम बचे रहे, वातावरण के दोष संग दोष से हम बचे रहे। वो हमें अंदर अंदर ध्यान रखना है, बाहर हमें उनके साथ ताल में ताल मिलाकर के चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन जरूर आएगा जो वो आपको, जब आप उनको कोई इस तरह की बातें नहीं जबरदस्त रीति से कहते हैं, जबरदस्ती सिखाते हैं, तो एक दिन वो आपकी शुभ भावना और शुभकामना से वो जरूर बदल जाएंगे। और हमने ऐसा कई परिवारों को बदलते हुए देखा, कई बांधेलियों के पतियों को चलते हुए देखा जिन्होंने सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना रखते हुए, उनके नाम से उनको योग लगाते हुए, उनको सद्बुद्धि का दान देते हुए चलाए। सो दीदी, कई लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि नए नए जब ज्ञान में आते हैं और हमारी बाबा की धारणा आज के समय में, और स्पेशली ऐसे विदेश की जब धारणाएं करनी होती है, तो लोगों को ये अनियन गार्लिक के बिना लोगों के घर पे हम खा सकते हैं क्या, लोग क्या हम लोगों को खा लेना चाहिए क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा या हम भूखे रह जाएंगे। देखो मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाऊं कि जब हम सुंदरलाल जी के परिवार में गए तो वो तो सारे अज्ञानी थे और वो प्याज लहसुन भी खाते थे, परंतु मैंने एक दिन भी उनके यहाँ का खाना इस तरह का नहीं खाया। मैंने बहुत युक्ति से ये भी नहीं बोला कि मैं आपके यहाँ का खाना नहीं खाऊंगी, परंतु मैंने ये बोला कि भाई मैं दही से दूध खा सकती हूँ, फल खा सकती हूँ, परंतु मैं इस तरह की चीजें थोड़ा नहीं खाती, मेरे शरीर को सूट नहीं करती है। ठीक है, तो सीधा कहें कि भाई हम आपके यहाँ पर नहीं खाएंगे ऐसा नहीं बोले, परंतु युक्त शब्दों में बोले कि भाई मेरे को मेरे शरीर के अनुकूल ये थोड़ा ठीक नहीं करती, मैं फल खा सकती। और आप देखेंगे जब आप फल है, ड्राई फ्रूट है, उसको स्वीकार कर लेते हैं तो लोग इतना आपको कंपेल नहीं करते। परंतु कई बार क्या होता है, क्या हम फलों को भी देखकर और ड्राई फ्रूट को देखकर ज्यादा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो वो भी तो हमारा एक अवच हो जाता है ना, वो भी ठीक नहीं लगता। तो हमें योग युक्त होकर के, आंतरिक योग युक्त होकर, मर्यादा में रहकर थोड़ा सा स्वीकार कर ले तो उनको खराब नहीं लगेगा। बाकी हम सीधा ही बोले भी हम आपके यहाँ कुछ नहीं खाएंगे वो ठीक नहीं। तो जैसे अभी आप विदेश में हैं, विदेश में भी खाना पीना तो हर जगह का ऐसा ही होता है आजकल, तो अपने आप को सेफ साउंड रखने के लिए अपने शरीर का बहाना भी तो लगा सकते हैं कि भाई मेरे शरीर को सूट नहीं करता है इसलिए मैं ये ले सकती हूँ ये नहीं ले सकती। तो दीदी यहाँ पर तो ऐसा है कि आजकल तो शराब पीना वो कल्चर में हो गया है, तो कई माताएं हमें पूछती हैं कि हमारे घर पे शराब आती है, ओनियन गार्लिक बनता है, तो वैसे में अगर मुझे बाबा को भोग लगाना हो तो क्या मैं भोग लगा सकती हूँ क्योंकि नहीं, रहना नहीं, है परिवार वालों के साथ। नहीं नहीं वो नहीं। भोग ना लगा के, फल तो मार्केट में मिलते हैं ना, बाबा को नियमानुसार भोग तो लगना ही चाहिए, परंतु भोग में फल भी बना फल मंगा करके रख सकते हैं। हम शराब और बीड़ी सिगरेट आदि अंडे आदि का भोग तो नहीं लगा सकते। नहीं नहीं दीदी, उसका भोग नहीं लगाएंगे लेकिन घर में लोग दूसरे खाते हैं, दूसरे पीते हैं। मैं क्यों नहीं उसके लिए, जरूरी नहीं कि डंडोरा पीट करके हम अपने घर में छोटे से बाबा के थोड़े बर्तन रख ले,
बाबा के भोग के बर्तन रख ले, तो हम बाजार से फल मंगा करके भी, ड्राई फ्रूट रख करके भी बाबा को भोग लगा करके फिर करें, है ना। बाकी उन बर्तनों में के अंदर का बना हुआ भोजन या उन बर्तनों में भोग नहीं लगा। लेकिन बिना अच्छे नए बर्तनों में बनाया हुआ, अलग से बाबा के बर्तनों में बनाया हुए में भोग लगा सकते हैं ना दीदी? दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ज्ञान में आते हैं और फिर हमारे जो दोस्तों के साथ हम पार्टी मनाने जाते थे, हैंग आउट करते थे, पीते थे, खाते थे, ऑल ऑफ अ सडन हम कहना शुरू कर दे, नहीं, अभी तो मेरे को ये सूट नहीं होता है, अभी तो मेरे पेट में दर्द होता है, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये आपका नया ब्रह्मा कुमारी का ये सब नया होश होना शुरू हो गया है, तो उस वक्त हमारी स्थिति कैसी रखें? मैं ये समझती हूँ कि परिवार में इस तरह की समस्याएं आती है ना। परंतु अगर हमारा लक्ष्य है कि हमारे को इनके साथ मिलके चलना है, इनकी पार्टीज को अटेंड करना है, अपने पति को खुश करना है, अपने साथियों को खुश करना है, तो उसके पार्टी के अंदर अनेक प्रकार की चीजें होती है। उसमें खान पान की भी वस्तुएं होती हैं, उसमें ड्राई फ्रूट भी होता है, उसमें फल भी होता है, उसमें दही भी होता है, उसमें और भी कुछ ऐसी चीज होती है जो स्वच्छ होती है। तो उसमें एक नाम मात्र हम उनको हाँ हाँ करते करते, बातचीत करते करते थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया या थोड़ा सा फल खा लिया, ताकि उनको लगे ही नहीं, उनको ऐसा लगे ही नहीं कि इन्होंने कुछ खाया नहीं है, हमारी पार्टी को इन्होंने अटेंड नहीं किया है। क्योंकि जब पति के साथ या रिश्तेदारों के साथ पति के अंदर जाओगे, तो अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे, छू छू करोगे, तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और वही आपको वो डांटने लग जाएंगे या आपके प्रति कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे। तो आपके प्रति या आपके बाबा के प्रति या आपके ज्ञान के प्रति या आपके संता के प्रति वो ऊंचा नीचा ना बोले, तो उसके लिए यही है कि बाबा को याद करके उसके अंदर दही होता है, मक्खन होता है, फल होता है, ड्राई फ्रूट होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, और फिर बाबा के आगे आकर के ये कहना चाहिए, बाबा क्या करूं, मजबूर हूं। जैसे आप देखेंगे कई बार बाबा से मिलिट्री वाले बच्चे प्रश्न पूछते, बाबा हमें भोजन तो वहां का स्वीकार करना पड़ता है, तो बाबा ने कहा, बच्चे कि तुम बाबा की याद में रह करके उसको थोड़ा स्वीकार करोगे, तो बाबा उसका तुम्हारे को कुछ असर नहीं होगा। इस ठीक इसी प्रकार जैसा स्थान हो वैसा अपने आप को चलाना ही पड़ता है, खास करके गृहस्थी लोगों को या नए नए लोगों को इस प्रकार की बहुत परीक्षाएं आती है। परंतु फिर भी अंदर सूक्ष्म में ये ध्यान जरूर रहना चाहिए कि ना तो मुझे ऐसी चीजों का सेवन करना है, ना मुझे अशुद्ध भोजन या ऐसे वातावरण का बना हुआ, ऐसे व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ भोजन स्वीकार करना है। मुझे नाम मात्र इनको खुश करने के लिए थोड़ा थोड़ा स्वीकार। और दीदी कई है ना माताएं जब भी बहुत एज हो जाती है, अभी 75 हो गए, 80 हो गए, आज 40 साल से 50 साल से ज्ञान में चलती है, बाबा की बहुत धारणा की है, और फिर ऐसा समय आता है कि बहू के हाथ का खाना पड़ता है, बेटी के हाथ का खाना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो खाती है बाबा को याद करके भोग लगा के, तो गिल्ट नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? क्या है कि मैं भी कई बार सोचती हूँ, मैं कई माताओं को देखती हूँ, कई भाइयों को भी देखती हूँ, सारी जीवन तो पवित्र पवित्र खाने के ही शोर मचाते रहे, अटेंशन रखते रहे, परंतु जब वृद्धावस्था आती है, अनेक बीमारियां आकर के घेरती है, तो फिर थोड़ा बोबो के हाथ का खाना खाते हैं, तो वो तो उनकी एक मजबूरी होती है। परंतु उसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, घर का
उनका व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति, अपनी स्त्री के प्रति इतना अच्छा होना चाहिए जो वो उनको लास्ट गरीब भी प्याज लहसुन शराब अंडा से ऊपर उठ करके अच्छी वृत्तियों में रहकर अच्छे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ ही भोजन खिलाए। तो शुरू से लेकर अपना व्यवहारिक, तभी तो कहा गया कि घर में रहते हुए लोग और लोग दोनों को सामने रख करके अपना व्यवहार इतना शुद्ध और श्रेष्ठ रखेंगे तो आपको अंतिम बेला भी आपको सत्कार की नजर से देवी के रूप में वो अच्छे विचारों में रह करके आपको भोजन बना करके दे। हाँ जी, परंतु अगर आपने व्यवहार ही श्रेष्ठ नहीं रखा, शुरू में छू छू करके उनको अपने आप से दूर 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 करते गए तो वो दूरियां तो लास्ट में बहुत बिगड़ डाले, ये तो बात है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि संबंध ऐसे नहीं होने चाहिए कि अंत में फिर हमने ही जो अपने ओवर स्वमान में जाके जो उनको ठुकराया है वो फिर बाउंस बैक हो जाए। राइट।